बिहार इंडियंस कल बाट लगा देंगे। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने कुछ परसों का क्लिपिंग देखा और उसके बाद अब मैं एक दिन बाद मिल रही हूँ। कल कोई ब्लॉग वगैरह मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली परसों हम लोग गए थे थोड़ा डिनर वगैरह करने के लिए बाहर। बहुत मतलब मन था कि काफ़ी दिन से पिज्ज़ा वज़ा नहीं खाया। पिज़्ज़ा खाया, लड्डू के लिए गार्लिक ब्रेड। वहाँ पर ये अच्छा हो गया कि लड्डू के लिए गार्लिक ब्रेड हो गया। अदरवाइज़ रहता है कि मतलब उसके लिए कुछ इतना ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो वेजेस देखकर ही भागता है या कुछ भी मतलब रेगुलर खाने से अलग कुछ दिख जाए तो वो भाग जाता है, नहीं खाता बेचारा। तो हम लोगों को बड़ा बुरा लगता। तो हमने उसके लिए ऑर्डर किया था गार्लिक ब्रेड, तो उसको अच्छा लगा। ही फिनिश इट ऑल। तो उसके बाद हम लोग गए मूवी के लिए। मूवी हम लोग देख रहे थे कुछ कितना 1.5-2 साल बाद। मतलब लास्ट मूवी शायद अपने पापा के साथ ही देखी थी और 3D मूवी देखी थी कोई, मुझे अच्छे से याद है। तब लड्डू छोटा था। तो एक्चुअली इट वाज माय बर्थडे ऑन 25th और हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि पता ही है घर का काम वगैरह है। रमेश ने ऑलरेडी बहुत छुट्टी लेता है वो घर के काम के लिए। अब वो लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने बोला कि नहीं, छुट्टी अगर रखे रहोगे तो घर के काम के लिए काम आएगा। तो छुट्टी नहीं ली और कुछ ऐसा हमने कुछ खास सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने ये रखा कि हाँ रात का डिनर बाहर करते हैं और थोड़ा चेंज हो जाएगा और मूवी देखते हैं। मूवी का मैंने इसको बोल के रखा था रमेश को कि यार ये विजय की मूवी मुझे देखनी है, ये नया आ रहा है लाइगर, तो मुझे ये देखनी है। बहुत पहले से मैंने उसको बोल के रखा था। लेकिन बीच में हम लोग ना थोड़े डाइसी हो रहे थे कि यार मूवी देखने जा रहे हैं, लड्डू पता चला वहाँ पर, अरे मेरा भीम चलाओ कर दिया तो हो जाएगा। और ऊपर से ये था ना, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह रहती है स्टेयर्स पे, कभी वो देखकर स्टेयर्स पे खेलने लग गया या पूरा हॉल डिस्टर्ब कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट टच वुड ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसको। लेकिन हाँ ये था कि मेरे को मेरा भीम चला के दो, तो उसको मोबाइल में करके दिया म्यूट करके ताकि औरों को भी डिस्टर्ब ना हो। तो वो अपने में लगा हुआ था और थोड़ी देर बाद सो गया था क्योंकि 10 बजे का शो था। तो हम लोगों ने देखी लाइगर मूवी। मेरे को बहुत मन था, मेरे को इतना क्रेज़ नहीं है इतना मूवीज़ का या ये एक्टर्स का। और कभी मेरे से सुना भी नहीं होगा आपने कि आज हम ये मूवी देखने गए या आज हम वो मूवी देखने गए। लेकिन इसका ना मेरे को बड़ा वो था, मन था कि हाँ मुझे ये लाइगर मूवी देखनी है, क्योंकि मुझे सच में ये जो एक्टर है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना चार्मिंग है, इतना मतलब क्या बोले था, अट्रैक्टिव है। तो मतलब उसको देखते ही ना अट्रैक्शन आता है, सच में मस्त है बंदा। तो मेरे को मतलब ये था कि मेरे को ये मूवी देखनी है। हम लोग गए, हम लोगों ने देखी मूवी। मूवी बहुत अच्छी थी लेकिन इंटरवल के बाद ना मूवी थोड़ी थोड़ी अपनी ट्रैक से उतर रही थी, तो थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ हो गया। बट सब अच्छा था, मतलब अच्छा था मूवी। लड़की की एक्टिंग अच्छी थी। अनन्या पांडे मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा ओवर एक्टिंग की दुकान लगती है। बट ओवरऑल द मूवी वॉज गुड और हम लोगों ने इन्जॉय किया। और मज़ा तब आया जब वो बोलता है वी आर इंडियंस वाट लगा देंगे, वो बहुत अच्छा लगा। और बीच में कॉमेडी भी चल रही थी तो फुल एंटरटेनिंग था। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ भैया बोरिंग है, ठीक है। मतलब पूरा मतलब एंड तक अच्छा बना रहा मूवी। और मेरी तो ये आदत है कि मेरे को तुम 3D मूवी ले जाओ या कोई और भी मूवी ले जाओ, लेट नाइट मूवी होती तो मैं सो जाती हूँ। घर में भी देखने बैठते हैं तो सो जाती हूँ मैं,
तो लेकिन विजय ने एकदम माहौल बना रखा था और नींद नहीं आने दी तो मतलब अच्छा लगा ये, मतलब ये सेलिब्रेशन छोटा सा हमने किया, हम बाहर गए घूमे फिरे, थोड़ा सा अच्छा खाना खाया, दैट्स इट। और आज मैं मिल रही हूँ आपको एक दिन के बाद। कल एक्चुअली मम्मी चली गई थी, और मम्मी गई है दीदी के घर क्योंकि गणपति आने वाले हैं, दीदी गणपति लाएंगी तो ये टाइम मम्मी वहीं पे मतलब रहेंगी, अच्छा भी लगेगा, थोड़ा पूजा पाठ होगी तो मन भी लगेगा। तो बस अब मैं और लड्डू अकेले हैं घर पे, आज सैटरडे है तो आज कुछ भी मतलब लड्डू का स्कूल वगैरह नहीं है, आज छुट्टी है उसकी, अभी खेल रहा है वो अंदर, मैं हूँ बाहर ऐसे ही, बड़ी हवा सी चल रही थी अच्छी, तो बस मैंने बोला चलो थोड़ा व्लॉग स्टार्ट किया जाए। मेरा ये मनी प्लांट कितना अच्छा लग रहा है, देखो बुशी हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ना यहाँ पे मतलब हवा बहुत ज़्यादा रहती है तो थोड़ा डस्ट हो रखा है इसमें, वाटर स्प्रे मारना पड़ेगा इसमें। लड्डू ने मेरा स्प्रे भी तो तोड़ दिया, मतलब उसके हाथ में अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो कहाँ से उड़ता है, तो देखती हूँ उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्लीन बिना मतलब ऐसे धूल धूल अच्छी नहीं लगती ना। शायद 2:30 बज गए हैं और मैं अभी तक ना सुबह से घर होके ही नहीं आई, मतलब प्लॉट होके ही नहीं आई, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ देखना नहीं हुआ। तो अभी मैं जाती हूँ और थोड़ा सा लड्डू को भी लेके जाती हूँ और देखूँ घर का क्या क्या काम होता है। तो ये हमारे रूम का प्लास्टर हो रहा है आज, आधा इस वॉल का हो चुका है, और ये कॉर्नर वाला देख रहे हैं आप वॉल, पतली सी जो वॉल है, ये वॉल थी नहीं, ये मैंने क्रिएट करवाई है एक्चुअली। घर में ना इस कमरे में कोई और कोना था ही नहीं, सिर्फ 2 कोना था, एक वार्डरोब में जा रहा है और एक बाथरूम में जा रहा है, तो ये कॉर्नर मुझे चाहिए था अपना ड्रेसिंग टेबल रखने के लिए, तो ये मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए एक कॉर्नर क्रिएट करवाया था। और ये देखिए मैं लेके आई हूँ मम्मी के रूम में आपको, आप सभी को, आप पिछले व्लॉग में देखा ही था कि मम्मी के रूम का प्लास्टर हो रहा था, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और बाय गॉड इतनी फिनिशिंग है। एक आरिफ भैया है जो मिस्त्री भैया में से एक आरिफ भैया है, उनका हाथ इतना साफ है, बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब स्टार्टिंग, अब तो एक और अंकल करते हैं वो, उनका भी हाथ साफ है, लेकिन स्टार्टिंग से ना उन्होंने हमारे घर का काम किया है, तो हमें ना उनकी आदत है, मतलब अगर बीच में कि मतलब 2 बंदे आए थे उनके वजह से ना थोड़ा सा ना वॉल हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो हम बार बार कहते हैं कि भाई तुम छुट्टी मत किया करो, तुम ही आया करो। तो बस ये भैया लगे हुए हैं अपने काम पे, और ये वाले अंकल भी लगे हुए हैं, ये भी अच्छा काम करते हैं। तो अभी बजे हैं शाम के 5 और हम लोग जा रहे हैं अपने एक नेबर के घर में, वो वही नेबर जिनके घर से मैं करी पत्ता लेके आया करती थी, तो मतलब उनके उनका ना बहुत बड़ा एक किचन गार्डन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, मतलब जो उनका प्लॉट है आधे हिस्से में उन्होंने घर बना रखा है, आधे हिस्से में उन्होंने किचन गार्डन अपना बना रखा है। तो आज मैं वहीं पर जा रही हूँ, थोड़े दिनों पहले हम लोग मिले थे मार्केट में, तो उन्होंने कहा था कि आना, मैंने बहुत नए नए प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उनको भी पता है कि मेरे को इंटरेस्ट है, तो वो बड़े खुशी से मुझे बता रही थी कि आना। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, मैं और लड्डू, हाँ कोई बेटा डरते नहीं है, तो अभी वहीं चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ उनका गार्डन कितना सुंदर है। इन्होंने भी देखो फ्लैग लगाया हुआ है, अच्छा लगता है ना, आ जाओ आ जाओ बाबली अच्छी है बहना, अच्छी है, हाँ बेबी को देखो, लड्डू ब्लॉगिंग कर रहा है, कह रहा बेबी को देखो, बेबी को पूछी दे, इधर 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 आके दो बेबी को पूछी, अरे बाबली घर ले चले, बेबी को घर ले चले, हैं बेबी को घर ले चले, हाँ बेबी घर पे, बेबी को घर ले चले, ले चले क्यों नहीं घर, मैं कह रही हूँ बेबी को घर ले चले, पहले तो कह रहा हाँ, कह रहा नहीं, फिर बेबी को घर ले चलते हैं ना लड्डू,
बेबी घर ले चले बेबी को, इतनी प्यारी प्यारी तो बेबी है। चलो घर ले चलते हैं, आ जाओ कह रहा, आ जाओ घर चलो। छिटकू छिटकू तो चलिए इनका गार्डन दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में ना इन्होंने कुछ नए नए प्लांट्स ऐड किए थे, मतलब लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो इतने सारे प्लांट्स नहीं है, तो ये कुछ नए ऐड किए हैं। अरेका पाम और अरेका पाम से सिमिलर थोड़े बहुत प्लांट्स ऐड किए हैं, और कुछ और भी किए हैं जो कि इन्होंने अपने घर के एंट्रेंस में लगा रखा है, लेकिन वो मैंने ना शूट करना मैं भूल गई। और ये देखिए लेमन ट्री, इतने सारे लेमन्स लगे हुए हैं। मैं उनको यही पूछ रही थी कि लास्ट टाइम जब आई थी इतने सारे थे नहीं, सिर्फ फूल खिल रहे थे और लेमन्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने शायद थोड़े बहुत मेहनत किया, खाद वाद डाला, तो देखो इतना अच्छा फ्रूटफुल रहा ये सब करना। और ये एक्चुअली ना ट्री इनका बहुत पहले से ही लगा हुआ है, जब इन्होंने लैंड ली थी ना तो ये पहले से ही ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो लैंड थी ना ये किसी नर्सरी वाले भैया की थी, तो ये बहुत सारे प्लांट्स तो इनके पहले से लगे हुए थे। और ये देखिए और सारे कितने सारे जो ये लेमन्स हैं एकदम गुच्छे में, वो भी बिग इन साइज़। तो इधर की साइड में आपको लेके चलती हूँ, यहाँ पे देखिए आप, एक तो आपको पपाया ट्री मिलेगा, बहुत सारे चिली प्लांट्स मिलेंगे, नीचे जितने भी दिख रहे हैं ये सारे सीताफल हैं, कुछ तोरी है, ये फ्लावर प्लांट है जो कि मेरे पास भी है, एक शायद चंपा कहते हैं इसे। तो ये वाला इधर की साइड देखो, लड्डू मेरे पीछे पीछे, उसको भी बड़ा शौक है प्लांट्स का ना, उसको भी बहुत शौक है, लड्डू को भी, उसको वो भी पूरी दिलचस्पी लेता है। इधर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे बनाना ट्रीज भी है, जो कि मैंने बताया कुछ कुछ पहले से ही हैं, तो यहाँ पर कम से कम 2-3 और एक उधर कॉर्नर में भी है, 4 है बनाना ट्री, और यहाँ पर एक पपाया प्लांट भी है। इधर की तरफ मैं अगर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरा सेक्शन ना भिंडी का है, ये पूरी फसल यहाँ भिंडी की लगा रखी है इन्होंने। और भिंडी का तो मैं क्या बताऊँ, ये रोज़ बताती है कि मेरे को आए दिन बहुत हार्वेस्ट करने को मिल जाती है भिंडी, और अभी भी इन्होंने आज भी हार्वेस्ट कर रखी है, लास्ट में दिखाऊँगी मैं आपको। इसी के बगल में है बैंगन, बैंगन इन्होंने दूसरे वाले वैरायटी की लगाई है, जो पतली पतली होती है, लंबी लंबी होती है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो क्या कहते हैं, ये बहुत सारे बैंगन देखो दिखने को मिल जाएंगे, तो ये कुछ ये वाली वैरायटी लगा रखी है, और बहुत बड़ा एरिया है इनका, लेकिन अभी ना बीच में ना खाली खाली सा दिखेगा, मतलब मेरे ख्याल से कुछ इन्होंने पहले ग्रो कर रखा था, जब मैं आई थी पिछली बार तो मेथी वेथी बहुत कुछ ग्रो कर रखा था, तब मैं विंटर्स में आई थी तो बहुत कुछ लगा रखा था, लेकिन ना अभी वो बताती हैं कि कुछ ख़राब हो गया, तो अब सीधा विंटर के प्लांट्स लगाएंगी, तो इसलिए थोड़ा खाली छोड़ के रखा है। और ये देखिए सारा देखो सीताफल या तोरी का है कुछ, और ये बनाना ट्री, तो बस अभी शायद सीज़न चेंज हो रहा है, अब इसी मतलब अगस्त चल रहा है जैसे, तो अगस्त में ही मतलब विंटर्स के आधे से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो लगाना शुरू कर दिया जाता है। तो बस ये इन्होंने ये सारा बीच में जितना भी ख़राब हुआ है वो सारा उन्होंने क्लियर आउट कर दिया है, और अब ये विंटर की तैयारी करेंगी। और ये देखिए तोरी कितना अच्छा लग रहा है ना, तो बस। और ये देखिए ये आज की भिंडी की इनकी हार्वेस्ट है, और हार्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने आज की भिंडी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना मुझे। तो हम लोग होके आ गए, खूब सारे इन्होंने नए प्लांट्स लगाए हुए थे, और बीच में भी उन्होंने और कुछ भी लगा रखा था, लेकिन वही ना शायद कीड़े वीड़े पड़ गए थे तो उनको हटाना पड़ा। वो कह रही है कि अब विंटर्स के सारे वेजिटेबल्स लगाना शुरू करेंगी। एक आंटी आती है इनके यहाँ पे, तो वो उनका ही वेट कर रही है, तो उन्हीं से मैंने भी बात कर रखी है, मैंने बोला अगर वो आए तो इधर भी भेज देना, मैं बस वेट कर रही हूँ कि मेरा फेंसिंग हो जाए, कि ऐसा ना हो ना कि मैं कुछ लगाऊँ और फिर कुत्ते उत्ते आए और वो ख़राब कर दे। लेकिन मैं सोच रही हूँ फेंसिंग जब तक होगी तब तक मैं कुछ ऐसा टेम्प्रेरी जुगाड़ कर देती हूँ, ताकि एटलीस्ट मंथ बेटा मंथ ना ख़राब हो और लगाना शुरू कर दूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग फिर मैं यही एंड करती हूँ, और होप करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय।